हे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, आज हम लोग मोशन प्लेन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन तो खत्म हो गया, अब आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? तो बेसिकली इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके पहले आपका क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, अब ये मोशन इन अ प्लेन रहेगा। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मोशन हो रहा था कोई भी एक सिंगल लाइन पे, मतलब या तो बॉडी यहाँ पे जाएगा ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलता था, एक सिंगल लाइन में। तो हम लोग बोलते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट अब जो ऑब्जेक्ट चलेगा, मोशन में रहेगा, वो प्लेन में रहेगा। प्लेन मतलब क्या? ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड आपका एक प्लेन ही है। ठीक है, इसमें दो एक्सिस रहता है, एक एक्स एक्सिस, सॉरी, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो ये हो गया, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्लेन। प्लेन मतलब, प्लेन का मतलब ही होता है 2D, टू डायमेंशनल, यू कैन से टू डायमेंशनल। और इसको हम लोग बोलते हैं टू एक्सिस, दो एक्सिस का रहता है, कोई भी दो एक्सिस का रहता है। ठीक है, कोई भी दो एक्सिस मतलब आपका एक्स वाई का हो सकता है, वाई जेड एक्सिस का हो सकता है, या फिर एक्स जेड एक्सिस का हो सकता है, कोई भी दो एक्सिस का होता है, इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मोशन इन अ 3D भी आ सकता है। अभी तो मैं सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये 2D की बात कर रहा हूँ। और ये इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो मोशन इन अ 1D था। 1D मतलब एक ही लाइन में, एक ही एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस पर, या तो वाई एक्सिस पर, या तो किसी भी एक्सिस पर, या जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो आपका प्लेन के ऊपर है, प्लेन मतलब 2D। तो जो भी आपका मोशन होगा, ये एक्स एक्सिस लिखा नहीं मैंने, तो जो भी आपका मोशन होगा उसका हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट देखेंगे। हम लोग एक्स भी कोऑर्डिनेट देखेंगे, सपोज ये बॉडी ऐसा मूव हो रहा है, तो ये जो बॉडी मूव हो रहा है, अगर इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पर वो बॉडी है, तो इसका हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी देखेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट भी देखेंगे। ठीक है, ये समझा? ठीक है भाई, अभी देखो, अभी क्या होता है कि इसके पहले जो हम लोग 1D में मोशन देख रहे थे, उसमें हम लोग वेक्टर, स्केलर वेक्टर देखा था। स्केलर वेक्टर तो आ ही गया था ना उसमें। तो स्केलर वेक्टर बताने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में नहीं है, तो उसको बताने के लिए इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या यूज़ करते थे, बताओ क्या यूज़ करते थे? तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ये साइड में जाता है तो हम लोग नेगेटिव यूज़ करते थे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव साइड में जाता है तो हम लोग पॉजिटिव यूज़ करते थे। ठीक है, याद है आपको? ठीक है, तो ये हम लोग वैक्टर के लिए यूज़ करते थे। किसके लिए? हम लोग वैक्टर के लिए यूज़ करते थे। लेकिन 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 यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे इस चीज़ में? जैसे मोशन में प्लेन की मैं बात किया, उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना होगा, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ना होगा। ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को, तो जाके समझ में आएगा हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो वैसे तो मैंने उस पिछले वाले चैप्टर में आपको एक हिंट दे दिया था, आई जे के, याद आ रहा है आपको? ये एक हिंट दे दिया था, है ना? आई जे के यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम लोग आई आई कैप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम लोग जे कैप यूज़ करते हैं, जेड एक्सिस के लिए हम लोग के कैप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ये कब होगा? जब मोशन आपका 3D में रहेगा, तो 3D में रहेगा तो। ठीक है, बट इसमें प्लेन है तो मतलब 2D में, मतलब कोई भी दो एक्सिस ही रहेगा। ठीक है, तो 3D भी आएगा, उसका कोई इशू नहीं है, 3D भी आने वाला है। तो सबसे पहले वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है वो देखते हैं, स्केलर और वेक्टर के बीच का फर्क देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चों स्केलर वेक्टर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो वही मैं आपको जो था अभी इंट्रोडक्शन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। कि एक तो होता है आपका मोशन इन 1D, 1D, 1D। तो जो कि हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके पहले वाला चैप्टर उसके ऊपर ही था। या तो वो एक्स एक्सिस पे रहता है, या तो वो वाई एक्सिस पे रहता है मोशन आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का, या तो वो जेड एक्सिस पे रहता है। ठीक है, ये होता है मोशन इन 1D। तो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? इसको हम लोग एज अ यू कैन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक,
मोशन है स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन जो भी है, लीनियर भी मोशन, लीनियर मोशन भी है। फिर उसको हम एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, लीनियर मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। अब दूसरा होता है मोशन इन अ, मोशन इन टू डायमेंशनल, टू डी, जो कि रहता है या तो एक्स वाई एक्सिस पे रहेगा, या तो एक्स जेड एक्सिस पे रहेगा, या तो वाई जेड एक्सिस पे रहेगा, टू डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, जो कि आप लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले, ठीक है। तीसरा होता है मोशन इन थ्री डी, थ्री डी, थ्री डी, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे रहता है, ठीक है, तीनों एक्सिस पे हम लोग उसको डिनोट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है वो तीनों एक्सिस पे रहता है, वो बेसिकली होता है स्पेस, मतलब हवे में चल रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, हवे में चल रहा है ना, जैसे मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो ये हवे में ही चल रहा है ना, अभी हवे में चल रहा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को जानने के लिए तीनों एक्सिस लेना पड़ेगा। तीनों एक्सिस मतलब आपका एक घर का कॉर्नर, कॉर्नर आप पकड़ते हो, तो अब तीन एक्सिस होता है ना, एक ऊपर से होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, मतलब एक ऊपर से, एक ये बीच वाला हो गया वाई एक्सिस, ये आप एक्स जेड एक्सिस पकड़ लो, ये एक्स एक्सिस पकड़ लो, तो ये तीन एक्सिस हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ थ्री डी, दैट इज मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको वेक्टर क्वांटिटी तो बेसिकली प्लस माइनस से मालूम पड़ जाता है, प्लस और माइनस से वेक्टर आपको बताना है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो प्लस और माइनस लगा दो डायरेक्शन बताने के लिए, है ना, डायरेक्शन। बट प्लेन में आप क्या करेंगे, प्लेन में अभी हम बताते हैं वही आई जे के वो सब यूज़ करेंगे अभी, ये दोनों का हम लोग रीड पढ़ने वाले, इसका तो हमने पढ़ लिया ना। तो अभी इसको पहले पढ़ने के लिए हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है ना, स्केलर एंड वेक्टर, मतलब वेक्टर के बारे में बेसिकली जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम स्केलर एंड वेक्टर के बारे में चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ, स्केलर, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये सिर्फ किससे डील करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करता है, मतलब ये जो भी स्पेसिफाई करेगा एक सिंगल नंबर से करेगा, कोई भी नंबर हो गया, स्पेसिफाई किससे करेगा, एक सिंगल सिग्नल लिख दे रहा हूँ यार, सिंगल नंबर से करेगा, ठीक है, एक सिंगल नंबर से वो स्पेसिफाई करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या होता है, मास, लेंथ, वॉल्यूम, सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, ओके। अब क्या होता है कि स्केलर जो क्वांटिटी होता है वो तो मैं आपको बता दिया, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं, वो एक सिंगल नंबर से बताते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए, हमने देखा था इसके एग्जाम्पल क्या है, मास है, ठीक है, मास है, डिस्टेंस है, और बताओ और एग्जाम्पल बताओ, टेम्परेचर है, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, फिर टाइम है, टाइम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे स्केलर में आते हैं, मतलब इसका हम डायरेक्शन मेजर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे भी एक सिंगल नंबर से हम लोग, जैसे मास हो गया 54 kg, 54 kg, डिस्टेंस हो गया 54, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है 54 मीटर, ठीक है, दोनों में फ़र्क मैं बता चुका हूँ पहले। टेम्परेचर हो गया 54 केल्विन, टाइम हो गया 54 सेकेंड, तो ये सारे हम लोग डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब बात करते हैं भैया वैक्टर, अरे नहीं, पहले वैक्टर नहीं, पहले हम लोग स्केलर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि अब स्केलर क्या होता है। स्केलर जो होता है कोई भी प्रोडक्ट, ये तो एडेड ऐड हो सकता है, स्केलर कैन बी एडेड, स्केलर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड, स्केलर कैन बी डिवाइडेड, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे आपके ऑर्डिनरी नंबर, जैसे आपके ऑर्डिनरी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं ना, वैसे आपके ये सारे हो सकते हैं, ठीक, ये समझा। अब अगला जो है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सपोज एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर ले लेते, मीटर ले लेते, सी जी एस एम के एस, उसका ब्रेथ है 14 मीटर। अब बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 × l + b, यही होता है ना भाई पेरीमीटर, तो ये हो गया 2 l + 54 + 14 डी, तो 2 हो गया, 54 + 14 = 68, 68, इट जस्ट 16 × 12 = 13, 136 मीटर, ठीक है। तो ये आपका पैरामीटर कितना है, 136 मीटर। मतलब इसमें आप क्या देख सकते हो कि जो जो सारे क्वांटिटी है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, पैरामीटर हो गया,
ये सारे ही स्केलर है, तो स्केलर कैन बी इजीली एडिट, जैसे नंबर ऐड हुआ है वैसे मल्टीप्लाई हुआ है वैसे ही हो गया, स्केलर कैन बी इजीली एडेड। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं कि स्केलर जो है, स्केलर वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होगा वो विल बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये समझा मैंने क्या बोला? नहीं, सेम फिजिकल क्वांटिटी ये समझा। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर कोई मैं मास लेता हूँ, किसी कोई मास लिया तो उसके साथ मैं लेंथ को ऐड नहीं कर सकता। आप समझ गए? अगर अब देखो ना यहीं पे, क्या 54 kg + 54 m होगा? नहीं होगा ना, दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक, वैसे ही आपका सब्ट्रैक्ट ले लो, क्या मास माइनस लेंथ होता है? क्या मास माइनस लेंथ होगा? क्या मैं किसी मास में से किसी लेंथ को माइनस कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या सही रहेगा? किसी मास में किसी मास को आप प्लस कर सकते हो, ये सही रहेगा। किसी लेंथ में आप किसी लेंथ को प्लस कर सकते हो, किसी टेम्परेचर में आप किसी टेम्परेचर को ऐड कर सकते हो। ठीक, किसी किसी मास से आप किसी मास को माइनस कर सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जब सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तभी या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ये पॉइंट समझा? अब क्या होता है कि ये तो दोनों मालूम पड़ गया, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी तो होता है ना, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे होगा? तो ये बच्चों आप चाहिए तो आप कॉपी कर लो, ठीक है? अगर आपको कॉपी करना है, मैं आगे इसको ऊपर का रफ करने वाला हूँ। तो जो बच्चों मल्टीप्लीकेशन, मैं मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एम लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन जो है वो विल बी ऑफ एनी, विल बी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कर सकते हो, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तब ही कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। कैसे एग्जांपल है? ये मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है? अब जैसे मैं बात करूं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये दोनों फिजिकल अलग अलग क्वांटिटी है, तो मास अपॉन वॉल्यूम एक फॉर्मूला आता है, दैट इज डेंसिटी, उससे आता है, सिंपल है ना, समझा? तो मास अपॉन डेंसिटी करोगे तो, सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी आएगा। वैसे ही अगर आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हो तो दोनों देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो आप ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बिल्कुल कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया आपका स्केलर्स। अब हम आते हैं भैया वैक्टर्स पे। वैक्टर्स क्या है? तो जो वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स में आपको स्टार्टिंग में बताया ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों ही बताता है। ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है वो एक नंबर से बताएगा, किसी भी जैसे एक सिंगल नंबर से बताएगा, और डायरेक्शन के लिए वो कौन से डायमेंशन में चल रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर वन डायमेंशन में चल रहा है तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा, टू डायमेंशन में चल रहा है तो लगाएंगे अपन आई जे के वगैरह, वो सब ये आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, इतना समझा? तो इसका वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना जरूरी है। अब ये दो चीज, दो लॉ ऑबे करता है, एक तो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये अभी आएगा, अभी हम लोग सीखने वाले हैं बाद में। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ये दोनों लॉ ऑबे करता है। और दूसरा हो गया दूसरा कौन सा है? दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों लॉ को वो ये ओबे करता है वेक्टर्स। ठीक है भाई, अब क्या है कि जो इसके, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड एक नंबर से बताता है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया ना, इस हम लोग ने इसके पहले देखा था, क्या एग्जाम्पल देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फिर वेलोसिटी हो गया, और
एक्सेलरेशन हो गया। अब ये सब तो हमने देख लिया ना, इसके पहले ही देखा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी, कौन से स्केलर है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चाहिए तो आप ये भी कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, चलो ठीक है। अब ये ओबेस करते हैं, ओबे ट्रायंगल ऑफ, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या है ये एक्चुअली ये लॉस। ठीक है, अभी इसको मैं रफ करता हूँ। अब बढ़िया बात ये आती है कि इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं भाई, हैं? इसको डिनोट भी तो करना चाहिए ना यार, वेक्टर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो ये इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड ना नो डिनोटेड डिनोटेड बाय। देखो आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो कभी कभी बोल्ड लेटर, ठीक है, अब जैसे मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वो बोल्ड लेटर आप समझते हो ना, डार्क लेटर, या तो वो डिनोटेड बाय डार्क लेटर, बोल्ड लेटर यू कैन से डार्क लेटर, और मैं वेलोसिटी की बात करूँ वी बार, वी बार, इसको हम लोग वी बार बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक में ये जो डार्क लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये देखो बाय सिंबल वी, ये जो डार्क, इसको हम लोग बोलेंगे बोल्ड लेटर, वी कैन, इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ड, यू कैन से डार्क लेटर। तो इसको वेक्टर को डिनोट करने के लिए या तो आप डार्क लेटर यूज करो या तो आप वी बार यूज करो। ठीक है, तो हम लोग दोनों से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय वी, बोल्ड वी, बोल्ड लेटर और वी बार। चलो ठीक है, ये काफ़ी मैंने रिपीट कर दिया इस चीज़ को। तो वैसे ही हम लोग इस वेलोसिटी, ये आपको कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वी मतलब वेलोसिटी वेक्टर हो गया ना यार, तो इसके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, वेक्टर को, लेकिन मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दिखाता है ना, तो अगर मैं सिर्फ मैं बोलूँ ये वी बार, मैं सिर्फ वी बार बोलूँ तो ये दोनों की बात चल रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के साथ है, लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, उस वैक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उस वैक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग या तो मॉड ऑफ डार्क वी ले लो, मॉड ऑफ डार्क वी, या मॉड ऑफ वी बार ले लो, क्या हम लोग लगाते हैं, बस उसके आगे मॉड लगा देते हैं, तो वो होते हैं एक लाइट लेटर से लिखते हैं, लाइट लेटर। ठीक है, लाइट मतलब लाइट, लाइट हो गया वो, डार्क नहीं हो गया, डार्क से हट गया। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये देखो मॉड ऑफ वी लगाया, वी आ गया, ठीक है, लाइट लेटर में, तो मॉड ऑफ वी बार लगाओ या मॉड ऑफ वी, तो उससे हमको क्या मालूम पड़ेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन वैसे से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है आपको मॉड लगाना पड़ेगा, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉड मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? ओके, तो अब ये था सिंपल वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपके टेक्स्ट बुक में है, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें या तो वी बार में दिया रहेगा, वेक्टर को डिनोट किया रहेगा, या फिर बोल्ड लेटर या फिर डार्क लेटर से डिनोट किया रहेगा। अगर डार्क लेटर से डिनोट किया है तो समझ जाना, या फिर वी बार से डिनोट किया समझ जाना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, तो अब ये हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर देखते हैं क्या होते हैं। टॉपिक नंबर 4.2.1 आपके टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, दैट इज पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। ओके, तो अब इन दोनों में फर्क देखते हैं क्या है, मैं लिख देता हूँ यार, पोजीशन मार्कर भी नहीं चल रहा है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, इन दोनों में क्या फर्क होता है वो अभी हम देख लेंगे कि पोजीशन, भैया पोजीशन में क्या फर्क है। ओके भाई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, एक एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे, सपोज ये कि एक ग्राफ है, या मार्कर नहीं चल रहा है, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। तो बच्चों एक चीज़ आप याद रखना कि अगर आप कोई भी वेक्टर बताते हो, वेक्टर बताते हो कोई भी, ठीक है, तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मतलब आप क्या समझते हो, क्या समझ सकते हो कि सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो इस एक्सिस पे ये नंबर पर रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये जो अगर मैं बात करूँ वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन से भी रिलेटेड है, तो डायरेक्शन मतलब क्या, कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट का जो
वैल्यू रहेगा स्टार्टिंग में जीरो रहेगा। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, मतलब हर एक एक्सिस पे ये हो गया 0.0। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब उस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो रेफरेंस पॉइंट रहता है उस पॉइंट पे ना तो एक्स एक्सिस का कुछ वैल्यू है ना तो वाई एक्सिस का कुछ वैल्यू हो है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो वेक्टर बताने के लिए हम लोग को कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना ज़रूरी होता है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, ये जीरो लेंगे, सीधी सी बात है ना। वहाँ पे एक्स का भी वैल्यू जीरो ही है, वाई का भी वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब तीनों एक्स, वैसे अगर 3D की बात करें तो तीनों एक्सिस का वैल्यू जीरो भी यहीं पे आएगा, इसी पॉइंट पर। अगर मैं तीसरा एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो यहीं पे आएगा। रेफरेंस पॉइंट 3D में भी इधर ही रहेगा, बीच में रहेगा। तो ज़्यादातर जो रेफरेंस पॉइंट रहते हैं वो ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन पर ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट बताना लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी वेक्टर को बता रहे हो तो। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता था आपको, ठीक। ओके, तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी में। ओके, सो अभी कैसा है कि वही मैं ग्राफ आपको बनाता हूँ, बताता हूँ। ग्राफ है भाई, ग्राफ है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। वो दारू पी के चल रहा है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा चल रहा है। तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो आपका हो गया 0.0, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट। लेट से एक ये पॉइंट हो गया, लेट से एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी रहेगा एट टाइम टी। शिट यार, मार्क लगता है ज़्यादा, इंक लग गया इसमें। एट टाइम टी, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से मूव करते करते यहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे लेट से वो पी डैश रहेगा उसका पोजीशन, क्योंकि वेक्टर ले रहे हैं भाई। तो वेक्टर में एट टाइम टी डैश, वहाँ पे अलग टाइम रहेगा ना। तो वो दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट है वो तो यही है ना भाई, ये हो गया ये यहाँ से ओरिजिन से पी, ये हो गया। अरे यार ये आड़ा डेढ़ा लाइन बन रहा है जो, भाई भाई भाई। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ये लेट से मैं इसको ओ ले लेता हूँ, ठीक। तो इसको मैं जो ओ पी है इसको मैं आर लेता हूँ, आर, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, आर। और ये जो ओ पी डैश है लेट से वो आर डैश। तो देखो बच्चों, अब मैंने रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट पी को आर लिया है, रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पी डैश को, या से ऑब्जेक्ट, हाँ पी डैश को आर डैश लिया है एट ए टाइम टी डैश। तो अब देखो यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, ध्यान से देखना। तो देखो इसको मैं, देखो अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो वेक्टर है, इसके पहले जो वेक्टर है उसको हम लोग अगर कहीं पे दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं उसका या फिर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब क्या होता है कि ये जो पार्ट रहता है, ये रहता है टेल पार्ट, दिस इज नोन एज टेल पार्ट। और ये जो जहाँ पे एरो रहता है वो रहता है हेड, हेड पार्ट, यू कैन से टेल एंड हेड। तो ये एरो बताता है कि उस डायरेक्शन में, ये एरो आपको क्या बताएगा कि उस डायरेक्शन में। तो ये जो रहता है वो वेक्टर डिनोट करने के लिए रहता है, सिंपल, ठीक है। तो जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डायग्राम में, तो डायग्राम में आपका जो वेक्टर डिनोट है, या ये आपका टेल रहेगा, ये हेड रहेगा, मतलब ऐसे एरो रहेगा, ये टेल रहेगा, ये हेड रहेगा, मतलब ओरिजिन से उस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इस डायरेक्ट इस डायरेक्शन पे वो पॉइंट पी है, ओरिजिन से इस डायरेक्शन पे वो पॉइंट पी डैश है, ठीक है। मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। तो एक्चुअली वो पूरा पॉइंट पर लेते हैं एरो, तो मैं पूरा पॉइंट पर नहीं लिया हूँ, पूरा एक पॉइंट पर लेते हैं एरो, ठीक है भाई। ओके, तो ऐसा चल रहा था, समझ गया ना ये एरो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर क्या क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ओ पी होगा, ओ पी ये होगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट टाइम
और होगा ओपी डैश पोजिशन पोजिशन वैक्टर एट टाइम, ओ ए टी 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 अलग हो गया, एट टाइम टी डैश, ये समझा पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वैक्टर मतलब ये जो एरो है, पोजिशन वैक्टर बेसिकली हम लोग डिनोट ही करते हैं रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, ठीक, रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही हम लोग पोजिशन वैक्टर डिनोट कर सकते हैं, वरना पोजिशन वैक्टर आप नहीं डिनोट कर सकते, ठीक है, ये समझ गया पोजिशन वैक्टर। हाँ भाई समझ गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, और बच्चों ये जो आर है, आर ये लेंथ है बेसिकली, मतलब रेफरेंस पॉइंट से उस पोजीशन जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ कितना है रेफरेंस पॉइंट से, है ना, ये आर और आर डैश वही हो गया, आर डैश। ओपी का लेंथ कितना है आर, ओपी डैश का लेंथ कितना रहेगा आर डैश, ये समझा आपको ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अब देखो, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैक्टर पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भैया क्या है, तो यू कैन से ओपी 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 डैश था ने, सॉरी सॉरी है ओपी डैश, तो ओपी का जो डिस्टेंस है, यू कैन से लेंथ है कितना है आर, ओपी डैश का लेंथ कितना है आर डैश। तो ये हो गया आपका पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वैक्टर बेसिकली हम लोग किसे डिनोट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर पे, तो ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्प्लेस हुआ है, आप समझे, उसमें हमको रेफरेंस पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हो गया, यहाँ से आ गया है ना, तो उसका डायरेक्शन उधर ही रहेगा, तो यहाँ पे टेल रहेगा और यहाँ पे हेड रहेगा, मतलब ऐसे एरो बनेगा, एरो ऐसे बनेगा, आप समझे मैं क्या बोला, एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब चाहिए तो उसको उसको मैं एक काम करता हूँ, रेड पेन से बना देता हूँ, आपको समझ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पूरा अगड़म दगड़म सगड़म हो गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ से ये टेल रहेगा, ये हेड रहेगा, क्यों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही गया है, तो वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो रहेगा आपका पॉइंट पी एट टाइम टी टू पॉइंट पी डैश एट टाइम टी डैश, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझे आप, ठीक है। सो यही है आपका पोजिशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फ़र्क है, और कुछ नहीं फ़र्क है। पोजिशन वेक्टर आपका बेसिकली हम रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, बस यही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और हमेशा जो रहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ही रहता है ना, मतलब बॉड सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इनिशियल यहाँ है फाइनल यहाँ है, ऐसे रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम इनिशियल पर इनिशियल यू कैन से इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन ज्वाइनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग इन स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये समझा आपको, अच्छा जी ये भी समझ गया। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, अब डिस्टेंस तो आपका वेक्टर होता नहीं है, ठीक है, तो एक और आपको मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा। तो अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये दोनों जो एरो है, ये दोनों जो है ये आपका है पोजिशन वैक्टर, पी मतलब पोजिशन वैक्टर, चलो भाई ये समझ में आता है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर में क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से। जैसे अगर मैं बात करूँ ये ग्राफ की, तो चलो भैया ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पोजिशन वेक्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 गया, ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेता हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक, तो डिस्टेंस जो रहेगा वो तो ये रहेगा ना आपका, यहाँ पे जो चल रहा है ये आपका डिस्टेंस, हम लोग ये पूरा डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐसे एरो बनाएंगे,
भले से वो यहाँ से यहाँ से चल रहा है लेकिन ऊपर ही जा रहा है, तो ये आपका इनिशियल ये रहेगा, इनिशियल ये पॉइंट रहेगा, फाइनल ये रहेगा, मतलब टेल है ये और ये आपका हेड है, ठीक है, ये समझा बच्चों? तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा होगा। तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर होता है, वैल्यू होता है, डायरेक्शन की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इज यू कैन से ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो हम लोगों ने पहले चीज़ भी, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पॉइंट पी है, या अगर मैं ऑब्जेक्ट बोल दूँ यहाँ पर भी है, पॉइंट क्यू है यहाँ पे, बोल दो पॉइंट आर है, और ये बोल दो पॉइंट एस है, पॉइंट पी क्यू आर एस टी है। तो मैं बात करूँ इनिशियल, तो ये है फाइनल, ये फाइनल पोजिशन है, ये इनिशियल है। तो हम लोग डिस्टेंस तो ये पूरा लेंगे, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से एस तक, एस से टी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग डायरेक्ट पी से टी तक ही लेंगे, इनिशियल से फाइनल तक, पी से टी, ये समझ गया ना, ये आपको वापस रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही था आपका पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर में फ़र्क, और डिस्प्लेसमेंट और मैंग अपना डिस्टेंस में भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर लेना है, अगर आपको ऐसा ऐसा आना टेढ़ा कोई भी दिया हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसको अब आपको ग्राफ में लेना है, तो आप डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल लेना है, डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल लेना है। चलो जी, ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। अब बच्चों इक्वालिटी ऑफ वैक्टर्स जानने से पहले दो आपको एक चीज़ बता दूँ वैक्टर का, कि जो वैक्टर है एक जो आपका वैक्टर है दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है फ्री वैक्टर्स, ठीक है, दूसरा होता है लोकलाइज्ड वैक्टर, लोकलाइज्ड फैक्टर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो फ्री वेक्टर होता है ना, उसका कोई रेफरेंस पॉइंट, हम लोग सपोज एक एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ पे गया, सॉरी यहाँ पे गया, तो हम लोगों ने उसका वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया। अब वो फ्री वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसका कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा, उसका कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा, तो इसके लिए वो जो वेक्टर है वो आपका फ्री वेक्टर में आएगा। लेकिन लोकलाइज वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, लोकलाइज वेक्टर की बात करूँ, तो उसका रेफरेंस पॉइंट रहेगा, मतलब वो रहेगा आपका एक्सेस प्लेन में रहेगा, 2D में रहेगा, फिर 3D में रहेगा, जैसा भी रहेगा, स्पेस में चल रहा है ऑब्जेक्ट तो 3D में, और अगर एक प्लेन पे चल रहा है, जैसे ये बोर्ड पे अगर चल रहा है, बोर्ड पे चल रहा है ना, तो वो 2D में चल रहा है, अगर बोर्ड पे ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो 2D में चल रहा है, अगर स्पेस में चल रहा है तो 3D में चल रहा है, ठीक है। तो लोकलाइज वेक्टर क्या होता है कि सपोज एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो वेक्टर बन गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक। अब जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसका मैं लोकेशन चेंज कर दूँ, अब क्या होता है फ्री वेक्टर्स में, क्या होता है कि अगर इसका आप लोकेशन चेंज करो यहाँ पे यहाँ तक, तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उस वेक्टर आप डिस्प्लेस करते हो तो उस वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या अनचेंज रहता है वेक्टर, मतलब ये जो भी रहेगा, ये जो जो भी वेक्टर रहेगा वो ये ही रहेगा, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। बताने का मतलब ये है कि अगर आप इस वेक्टर को यहाँ पे कर दो, चेंज कर दो, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री वैक्टर। लेकिन अगर मैं लोकलाइज वैक्टर की बात करूँ, वैक्टर की, तो वो एक है, उसको हम लोग डायरेक्शन, मतलब बेसिकली हम लोग रेफरेंस पॉइंट से दिखाते हैं, किससे, रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट से दिखाते, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा उस दोनों के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो उसके लिए भी और इसके लिए भी रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा। तो अगर मैं उसका चेंज कर दूँ लोकेशन, सपोज मैं उसको यहाँ पे लेके आ गया, तो देखो, तो अभी उसका जो ये है रेफरेंस पॉइंट, अभी ये देखो यहाँ इतना डिस्टेंस था पहले वाले का, अब उसका डिस्टेंस बढ़ गया रेफरेंस पॉइंट से थ्रू, अगर मैं बात करूँ रेफरेंस पॉइंट के कंपेरिजन में, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, जैसे सपोज आर है, तो ये आर आर अब क्या ले लो, R1 है तो ये R2 ले लो, तो यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 हो गया। तो जो लोकलाइज वेक्टर है वो हमेशा, वो जो रहता है वो क्या होता है, क्या होता है वो आपका हमेशा रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही मिलता है। तो अगर आप ये चेंज करते हो
तो ये पूरा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो वेक्टर आपने यहाँ से आप यहाँ पे उठा के लेके गए, तो जब रेफरेंस लोकलाइज वेक्टर रहता है तो वो पूरा वेक्टर ही चेंज हो जाता है। इसमें तो सेम रहता है, बट इस इन दोनों में वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया आपका फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर में। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम लोग आपके अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। तो इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स इसी दोनों से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो अभी हम लोगों ने देखा ना, लोकलाइज्ड वेक्टर और अपना फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, है ना। चलो भाई, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में अगर मैं बात करूँ, तो सपोज एक वेक्टर है ऐसा ओ पी, इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं ए। दूसरा वेक्टर है ओ डैश पी डैश, इस वेक्टर को ले लेते हैं बी। तो इस दोनों को इक्वल हम लोग कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? देखो, जब यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, और दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ, अब मैंने आपको बताया था वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, याद है ना। ऐसे वेक्टर वेक्टर आपको को बाहर लेना पड़ता है भाई। मैं यहाँ पे मैं बोल्ड लेटर में नहीं लिख रहा हूँ, मैं वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाहर लगा के। बोल्ड लेटर में आप लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे कब तक ऐसे ऐसे करोगे, उसमें टाइम निकालना है क्या? नहीं ना। तो आपको टाइम नहीं निकालने के लिए उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं वेक्टर पे। तो अब हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल रहेगा, समझे आप। दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है, सपोज इसका 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए। ठीक, अब इसका डायरेक्शन इधर से इधर है तो इसका डायरेक्शन भी इधर से इधर होना चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी सेम। तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब नॉन इक्वल कब रहेगा? सीधी सी बात है यार, जब उसका डायरेक्शन, चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये वही चीज़ हो गया, ओ पी हो गया, ओ डैश पी डैश। तो ए बार हो गया ये वेक्टर बी बार हो गया। अब इसके जो मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम है, 5 है, लेकिन डायरेक्शन क्या आपको दिख रहा है? सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई। 6 ही ले लेता हूँ मैं, 6 ले लो इसको, 6, क्योंकि इसको 5 लिया था। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक, ये समझा आपको। तो दोनों का डायरेक्शन इक्वल नहीं है, दोनों डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे तो बोल सकते हो कि ओपी जो वेक्टर है इज इक्वल्स टू ओ डैश पी डैश वेक्टर, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। बट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ओपी जो वेक्टर है इज नॉट इक्वल्स टू ओ डैश पी डैश वेक्टर। ठीक, तो ऐसा आप, ये दोनों हो गया आपका इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में फ़र्क आ गया, ये इक्वल रहेगा और ये इक्वल नहीं रहेगा। आप किसी में भी चेंज होना, अगर मैग्नीट्यूड भी आपका अलग हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी अलग हो, तो उसका डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो, तो क्या वेक्टर इक्वल होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों गड़बड़ होगा तो वैसे भी वेक्टर इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये समझे। ओके भाई, तो यही था आपका टॉपिक इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। तो अगला टॉपिक, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, 4.3, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर। तो भाई देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको वेक्टर को किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके भाई। तो सपोज एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर ए है, ए बार एक वेक्टर है, ठीक, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय कोई भी एक नंबर कर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर, लेट्स से लैम्बडा, लैम्बडा इंटू कैपिटल ए, सॉरी ए बार दैट इज वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लैम्बडा है, लैम्बडा ए बार। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें देखो, अगर ये इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, सिंपल एग्जांपल, सपोज एक वेक्टर है ये ओ से लेके पी तक, लेट से मैं ए बार ही लेता हूँ डायरेक्ट, ए बार वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पहले से ही है 5 ले लो। ठीक, अब मैं इस वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेमड़ा के बदले 2 ले रहा हूँ, लेमड़ा के बदले 2 ले रहा हूँ, सो ये हो जाएगा 2 ए बार। ठीक है,
मतलब जो पहले ओरिजिनल वेक्टर था ए वो हो गया 5 2, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ ट्वाइस हो गया ना, तो पहले वो 5 था तो वो ट्वाइस हो गया, मतलब वो 10 हो जाएगा अभी। तो ये वेक्टर ए बार जो आएगा वो अभी का वेक्टर 10 रहेगा। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये आपका ओरिजिनल था वेक्टर ए था, ये आपका कौन सा था, ये वेक्टर ए था, लेकिन अभी ये जो वेक्टर है ये ट्वाइस ऑफ ए है, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, आप समझे। बस यही है, मल्टीप्लाई करना आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। मैंने पॉजिटिव नंबर, इसके लिए मैंने पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये डायरेक्शन वही रहेगा कि इस डायरेक्शन में था तो इसका भी डायरेक्शन वही रहेगा, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा, इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन सेम रहा, डायरेक्शन इज सेम। अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तब मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन सेम रहा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कंडीशन देखते हैं, जब ये कब हुआ था, ये जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था तब, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था तब, याद रखना मैं दो बार इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है, ठीक है बच्चों। ओके भाई, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब उस वेक्टर को मैं नेगेटिव नंबर से, अरे वेक्टर को भी मिटा दिया क्या, मैं उस वेक्टर को मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेट से लैम्डा जो था ना, वो लैम्डा है कौन, वही था, उसके बदले कोई भी नंबर ले लेते हो, ठीक। तो अगर ये ओरिजिनल जो वेक्टर है उसमें मैं माइनस क्या डाल दूँ, -1 डाल दूँ, -1 × a, तो ये हो गया -a। मतलब क्या कि अगर ये मेरा जो वेक्टर 5 था, तो अगर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये -a वेक्टर हो गया, ठीक है, ये समझे आप, -5 जिसको हम लोग बोलेंगे। तो इस चीज़ में आपको क्या मालूम पड़ा कि क्या मालूम पड़ा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अगर आपने -1 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग नहीं है, 5, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ओपोजिट, डायरेक्शन ओपोजिट हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ आप कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे इस चीज़ को -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, -4 -5 कुछ भी कर सकते हो। तो माइनस मैं ले लेता हूँ, लेट से 4 जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको -4 से कर दो, तो ये हो गया -4a वेक्टर। तो अब जो ये था आपका ओरिजिनल वेक्टर ए बार, पहले कितना था, 5 था ना, अब क्या होगा, अरे बाप रे, ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, वो भी ऑपोजिट में बढ़ गया, मतलब ये बहुत लंबा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये -4a, मतलब जब ओरिजिनल वेक्टर कितना था, 5 था, तो ये हो जाएगा आपका 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 20, -20 आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको क्या मालूम पड़ा कि जो आपका मैग्नीट्यूड है, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया, सीधी सी बात है ना, पहले 5 था, इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, -4a, ये 20 हो गया, तो मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक, मैग्नीट्यूड सीधी सी बात है, पहले 5 था अभी 20 हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हुआ, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इन दोनों से क्या अपने को मालूम पड़ा, अगर मैं ये मैंने मैग्नाइट लिखा है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों से क्या मालूम पड़ा कि अगर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नंबर किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी प्लाइड बाय, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो या तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
क्योंकि अगर आप वन से करोगे तो सेम ही रहेगा ना। मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड विल बी सेम और विल इंक्रीज, विल, अरे अरे, और विल इंक्रीज, ठीक है, लेकिन 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 डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम, समझे? अब मैग्नीट्यूड या तो सेम हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे ऑलवेज सेम होगा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड वही चीज़ होगा, क्योंकि नंबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज जस्ट नंबर, तो आप नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी वापस यहाँ पे वही चीज़ विल बी सेम और विल इंक्रीज। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखा, और विल इंक्रीज, तो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड के रिलेटेड तो ये दोनों सेम ही है। इंक्रीज, यार स्पेलिंग भूल गया क्या मैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए दोनों सेम रहेगा, या तो पॉजिटिव नंबर सेम रहेगा या नेगेटिव नंबर, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बच्चों क्या होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट। जो भी ओरिजिनल वेक्टर था तो आप मल्टीप्लाई करते हो कोई भी नंबर तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमको ये मालूम पड़ा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या है कि नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वही मैं यहाँ पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं भाई क्या होता है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर आपको पता होगा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, क्या आता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ठीक है, ये आता है। तो अगर 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 मैं कहूँ, अगर सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था, ये मैं बोल रहा था कि अगर मेरा एक वेक्टर है, लेट से जो मैं लैम मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, वो लैम्बडा जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में क्या हो सकता है, वो टाइम है, ठीक है, जो भी मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो स्केलर है, दैट इज टाइम है, और जिससे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो है आपका वेलोसिटी, जो कि आपका वेक्टर है, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो लेट्स से मतलब ये जो लैम्बडा है यहाँ पे वो टाइम है, क्या है वो, टाइम इनटू वेक्टर वी। तो अगर आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरा क्वांटिटी चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर टाइम इनटू वेलोसिटी की बात करूँ तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट, आप समझ गए, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सिंपल है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो जो भी आपका वेलोसिटी इनटू, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी अगर आप स्केलर इनटू वेक्टर करते हो तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी थी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाती है, आप समझ गए, मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरी वेक्टर क्वांटिटी ही चेंज हो जाती है, समझे, अब मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी था, अब ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई, क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझा, समझे आप, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई किया था, कॉन्स्टेंट नंबर, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, दैट इज टाइम, वेक्टर से, तो वो पूरी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई यहाँ पे। तो ये था बच्चों आपको आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स, ठीक है, तो बच्चों आगे का जो है 4.4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो बच्चों आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार, जब चैनल पे अब सब्सक्राइबर ही नहीं है तो यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा यार बनाने के लिए वीडियो। अब आपको मैंने बताया था कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे अराउंड 4 आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स, ठीक है, मतलब वीडियो पूरा तैयार होने के लिए, पूरा अपलोड करने के लिए 4 आवर्स लगता है, तो आप समझ सकते हो, आप शेयर नहीं करोगे यार तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे यार ये तो चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का बच्चों अगर मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बात बताऊं तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि 1,000 व्यू पे $1 ही सिर्फ मिलता है, आप समझे, आप समझ लो फिर कैसा है, कितना मेरा कितना आता होगा, है ना, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सकता है उतना आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़े ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार, ठीक है बच्चों, तो जितना आप शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइबर आएंगे, जितने,
ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँ इस पे, इसके ऊपर, ठीक है, एनसीईआरटी सब्जेक्ट के ऊपर, एनसीईआरटी फिजिक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।